भारत वीरों की धरा है, दोरों की इस माटी में शौर्य और साहस की गुट्टी गुल्ली है। देशभक्ति होने की गीत यहाँ माँ लोरियों में सुनाती है। यहाँ पर शहीदों की प्रतिमाएं उतनी ही सम्मान से पूजी जाती है जितनी कि वहाँ के मंदिरों में देवताओं की। और मैं सोनू झुंझुनू हमारा पर ताको बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पूछा हाँ ढूंढरोद गाँव के अंदर बाईपास के ऊपर बड़े पुलवामा को शहीद स्मारक जो बनाया गया है वो कुन का द्वारा बनाया गया है पूरा स्मारक आज मिथान दिखा से। नाम नरोत्तम कालेर। गाँव गाँव चोराडी है, वैसे नवलगढ़ रहता हूँ, डिगाल के पास चोराडी आता हूँ। पुलवामा के अंदर कितना जवान है वे भारत का शहीद हुए? 42 जवान हुए। 42 जवान थे। टेम पर कौन सी जगह ही और के कुछ घटना बड़ी हुई? वो पुलवामा में थे और देश के जो सैनिक थे उनके ऊपर आतंकियों द्वारा बहुत ही कायरनामा हमला किया गया और 42 जवानों की मौत हो गई। 14 फरवरी 2019 की घटना थी। 14 फरवरी 2019 की घटना थी। दूसरे दिन सुबह अखबार पढ़ रहा था तो मेरी बेटी जो अब भी पिलानी से बीटेक कर रही है, वो उस समय बालिका विद्यापीठ पिलानी की स्टूडेंट थी, उसका सुबह फ़ोन आया। उसने कहा कि पापा सैनिकों के ऊपर हमला बहुत हुआ और ये बहुत ही निंदनीय घटना है, इन शहीदों की स्मृति में कुछ करो। तो बेटी का आग्रह मेरे लिए एक आदेश बन गया और मैंने उसी समय तय कर लिया कि मैं इनकी स्मृति में स्मारक बना दूंगा। मेरी पर्सनल जगह है इस हाईवे पे, झुंझुनू लोहारू स्टेट हाईवे पे, तो इसमें से मैंने ये लगभग 300 गज। तो थे जो न्यूज़ के अंदर पढ़िया तुरंत था दिमाग के अंदर अब आता ही कि आप पुलवामा को है जो शहीदा की याद के अंदर आप बनवाओ। तुरंत मेरे दिमाग में, बेटी के कहते ही मेरे दिमाग में आ गया। बेटी ने कहा कि इनकी स्मृति में पापा कुछ करो, तो बेटी का आग्रह मेरे लिए आदेश बन गया और मैंने दूसरे रोज ही 16 तारीख से इसका मैंने ये 4 दीवारी का काम, ये 10 दिन में कंप्लीट हो गया था। ये छतरी ये गुम्बज तो बाद में बना था और ये छतरी और ये 4 दीवारी 10 दिन में बन गई थी। 24 तारीख को ये कंप्लीट हो गया था और ये देश का पहला पुलवामा शहीदों की स्मृति में पहला स्मारक है। और अब अन्यत्र कहीं जगह नहीं बनाया गया देश में? नहीं बना अभी तक नहीं बना। और हर साल 14 फरवरी को यहाँ के युवा और भी जो भी हैं सैनिक वगैरह हैं और जो भी हैं इकट्ठे होते हैं और काला दिवस के रूप में मनाते हैं और तैयारी के लिए भी सुबह शाम यहाँ लड़के तैयारी के लिए आते हैं। ये इसमें एक हॉल बना हुआ है, ये परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क रहते हैं या जब भी किसी भी अदर स्टेट के हैं, नहीं अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं या यहाँ के हैं दूर के हैं, जो भी कोई होता है निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। और ये अब ये जो निर्माणाधीन है ये रेस्ट हाउस है, ये कालेर रेस्ट हाउस के नाम से है, ये निःशुल्क रहेगा। खाटू श्याम जी के दर्शनार्थी जो हैं, पैदल यात्री हैं, कावड़िए वगैरह हैं, वो काफ़ी मात्रा में काफ़ी लोग यहाँ रुकते हैं, रात को भी रुकते हैं, दिन में भी विश्राम करते हैं। निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता इसमें। जो है जो गन की स्थापना करी, ये गन, इस गन की मेरे सामने बड़ी दिक्कत थी कि मैं गन कहाँ से लाऊँ। तो मैं बेटी को छोड़ने के लिए पिलानी जा रहा था तो वीरेंद्र जी शेखावत हैं फुडानिया के, जो प्रेम सिंह जी बाजौर साहब ने मूर्तियाँ बनवाई हैं लगभग शहीदों की मूर्तियाँ 1100, तो वो वीरेंद्र जी बनवा रहे हैं। तो मूर्तियाँ मैंने देखी वहाँ, तो मैं वापस आते वक्त उनसे रुका तो उन्होंने मेरे से पूछा मैं कितने की होगी, तो ये बोले 4-5 हज़ार रुपये की होगी। मैंने उनको बताया कि ये शहीद स्मारक के लिए, उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया इसको और मैंने ज़बरदस्ती उनको देना भी चाहा, लेकिन उन्होंने, आज वो मेरे मित्र भी है, आते जाते भी हैं, रुकते भी हैं। और भी कोई व्यक्ति कोई नहीं है, सहयोग वगैरह बिल्कुल कोई सहयोग नहीं है। ये जितना भी है ये खुद की मेरी जमीन, खुद की जमीन में और मेरे द्वारा ही बनाया गया। ये बताऊँ देवताओं से भी बढ़ के मानता हूँ मैं इन सैनिकों को, और देवता बाद में है सैनिक पहले, और इनके सम्मान में मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूँगा। अब भी ये जो निर्माण कर रहा हूँ ये रेस्ट हाउस
है जो ये निःशुल्क रहेगा। मेरे तो दो बेटियाँ हैं, बड़ी बेटी है वो डॉक्टर है और मिसेज है वो डिप्टी डायरेक्टर है डायरेक्टर ऑफिस बीकानेर में, उनका पूरा सपोर्ट रहता है मेरे को और किसी का और एक रुपया भी नहीं लगा हुआ इसमें। और भी जितना हो सकेगा सैनिकों के लिए मैं करूँगा, ये युवाओं के लिए मैं शूटिंग रेंज की एक मेरी इच्छा है कि मैं शूटिंग रेंज स्टार्ट करूँ। अब उसमें कितना टाइम लगता है देखो वो तो एक आगे की बात है, लेकिन मैं यहाँ के लड़के और लड़कियों के लिए शूटिंग रेंज की मैं व्यवस्था करूँ।